हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल रेसिपी, बूंदी के लड्डू। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बड़े बॉल में 2 कप बेसन डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और बैटर तैयार करेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो बेसन में गुठली आ सकती है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। इतना बैटर तैयार करने में हमने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है और इसी तरह से हमने लगातार चलाते हुए 5 से 6 मिनट तक अच्छे से फेंट लिया है। देखिए, इसी तरह का बैटर होना चाहिए। बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला। अब इसमें हम ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। 2 चुटकी कलर हमने डाला है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑरेंज फूड कलर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए, इसी तरह का बैटर होना चाहिए। आप देख सकते हैं, इतना गाढ़ा होना चाहिए। अब हम बूंदी बनाएंगे। बूंदी बनाने के लिए हम इस तरह का झारे का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो पूरी छानने वाला झारा भी ले सकते हैं। तेल को हमने अच्छे से गरम कर लिया है। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस की आंच को मीडियम रखेंगे और झारे को हम इस तरह से रखेंगे। कटोरी में हम बैटर को लेंगे और इस तरह से डालेंगे। देखिए, बूंदी अपने आप गिरने लगी है। आप चाहें तो इसे इस तरह से थोड़ा सा टैप भी कर सकते हैं। बीच बीच में चलाते हुए हमने बूंदी को अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। इसी तरह से अच्छा कड़क होने तक फ्राई करना है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे बूंदी को फ्राई करके तैयार करेंगे। सारे बूंदी को हमने फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी गोल गोल और अच्छी बूंदी बनी है। अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हम कढ़ाई में 2 कप चीनी डालेंगे। चीनी का 1/2 पानी डालेंगे। गैस की आंच को मीडियम रखेंगे और चीनी घुलने तक पकाएंगे। इसी तरह से पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। चीनी घुलने तक हमने पका लिया है। हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। अब इसमें हम 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच ऑरेंज रेड कलर डालेंगे, फूड कलर है, ऑप्शनल है। इसके जगह आप केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स करेंगे। मोतीचूर का लड्डू ऑरेंज कलर का होता है, इसलिए हमने यहाँ पर कलर का इस्तेमाल किया है। चाशनी को पकते हुए पूरे 4 मिनट हो गए हैं। अब हम चाशनी को चेक करेंगे। इस तरह से चम्मच में उठाएंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इस तरह से उंगली से टच करेंगे और इस तरह से हम चेक करेंगे। देखिए, इस तरह से चिपचिपी सी चाशनी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कितनी चिपचिपी सी हो गई है। इसमें तार नहीं बनना चाहिए। चाशनी हमारी तैयार है। अब हम इसमें बूंदी डालेंगे। गैस की आँच को बिल्कुल धीमी रखेंगे।
दो बड़ा चम्मच मगज, दो बड़ी इलायची का दाना डालेंगे। बड़ी इलायची को हमने छील लिया था, अच्छे से मिक्स करेंगे। दो मिनट तक हम इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। देखिए मिक्स करते हुए दो मिनट हो गया है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे इसी तरह से ढक कर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि बूंदी जो है वो चाशनी को अच्छे से पी ले। पूरे 5 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक करेंगे। देखिए बूंदी चाशनी को पूरी तरह से सोख ली है। अच्छे से मिक्स करेंगे और ये अभी भी हल्का गर्म है। लड्डू बनाने से पहले हम हाथों पर पानी लगाएंगे। मिश्रण में से थोड़ा सा मिश्रण उठाएंगे और लड्डू बांधेंगे। जैसे आपको पसंद हो छोटे बड़े लड्डू आप बना सकते हैं। हम छोटे साइज के लड्डू बनाएंगे। आप देख सकते हैं लड्डू कितने अच्छे से बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सारे लड्डू को बनाकर तैयार करेंगे। लीजिए दोस्तों, बूंदी के लड्डू बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रेसिपी बनी है। इसी तरह से आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।